भाजपा ने अपनी सभी वर्चुअल रैलियों को स्थगित कर दिया है। अगले दो दिन तक कोई भी वर्चुअल रैली नहीं होगी। भारत चीन विवाद में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी। कहा, अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र उनका ऋणी है। मैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाजपा ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को आगामी दो दिनों तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। आगामी दो दिनों तक के लिए भाजपा के जितने भी एक्टिविटीज और वर्चुअल रैलियां होने वाली थी, उन सभी को स्थगित कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवं संवाददाता प्रीत किरण दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, भाजपा ने अपनी वर्चुअल रैलियों को आगामी दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया है और एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया है उन शहीदों को जो भारत चीन सीमा पर विवाद जो था उसके चलते शहीद हो चुके हैं। क्या तमाम अपडेट है आपके पास? जी जैसी जिस तरीके से झड़प हुई चीन और भारत के बीच में सीमा पर, उसको देख के जी तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा ने वर्चुअल रैलियों को स्थगित किया है। बड़ा निर्णय लिया भाजपा के द्वारा। शहीद जवानों को यहां पर एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है, श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। अपने आगामी दो दिनों तक के लिए तमाम वर्चुअल रैलियां जो भाजपा की ओर से होने वाली थी उन्हें स्थगित किया गया। जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी। कहा कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, राष्ट्र उनकी शहादत का ऋणी रहेगा।